हेलो दोस्तों, दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने लोगों को रोमांस, एक्शन और ट्रेजेडी हर किरदार में एंटरटेन किया। दूसरी तरफ राजकुमार जो कि फिल्मों में अपने एक्शन और शानदार डायलॉग के लिए जाने जाते रहे, ये दोनों अपने जमाने के बड़े और बेहद पॉपुलर एक्टर रहे। इन दोनों में दिलीप कुमार सीनियर एक्टर तो राजकुमार उनसे जूनियर एक्टर रहे, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे से करीब 36 सालों तक बात नहीं की। दरअसल साल 1959 में दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों एक फिल्म पैगाम में साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में दो भाइयों की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें बड़े भाई का किरदार राजकुमार निभा रहे थे, वहीं छोटे भाई के किरदार में दिलीप कुमार थे। फिल्म के एक सीन में दोनों भाई में विवाद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सीन के शूटिंग के दौरान राजकुमार अपना आपा खो बैठे और उन्होंने दिलीप कुमार को एक जोरदार तमाचा दे मारा। क्योंकि ये तमाचा असली था और जोरदार था और पूरे सेट पर इसकी आवाज भी गूंज गई, इसलिए दिलीप कुमार जो कि राजकुमार से सीनियर एक्टर थे उन्हें बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद से दिलीप कुमार ने कसम खा ली कि अब जीवन में कभी भी वो राजकुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। और उन दोनों के बीच ये दुश्मनी करीब 36 साल तक चली थी। 36 साल बाद बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने दो दोस्तों की कहानी दिखाई और उन दोनों दोस्तों के किरदार के लिए उन्होंने राजकुमार और दिलीप कुमार को साइन किया। हालांकि इन दोनों ही एक्टर्स को नहीं पता था कि इस फिल्म में वो दोनों ही एक साथ काम करने वाले हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तब दोनों एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे को देखकर चौंक गए। हालांकि अब मामला काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए वे दोनों मजबूरी में इस फिल्म में साथ नजर आए थे। ये फिल्म थी सौदागर और इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार की जोड़ी रंग लाई थी और ये फिल्म एक सफल फिल्म साबित हुई थी। और इस तरह इन दोनों ही एक्टर्स की 36 साल पुरानी लड़ाई एक मुकाम पर आकर रुकी। क्या आपने ये फिल्म देखी है या नहीं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।